हाय वेलकम दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शेल होलोस्फेयर। मतलब ये कि होलोस्फेयर जो होता है उससे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे और कहाँ बनता है। तो पहले मैं होलोस्फेयर बना देता हूँ आपको दिखाने के लिए कि ये हमारा होलोस्फेयर हो गया। अब इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिखाना है वो तीन जगह पर हम दिखा सकते हैं। तो दिखाने के लिए मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, और लाइन ड्रॉ करने के बाद तीन पोजीशंस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। एक तो ये पोजीशन नंबर ए ले लेते हैं और इसको बात करते हैं हम लोग पोजीशन नंबर बी, और बाहर बात कर लेते हैं पोजीशन नंबर सी। एक्चुअली ये इनसाइड द शेल है और आप ये जान ही रहे हैं कि इसके ऊपर हमारे क्या है, चार्जेस तो हैं ही। ये कंडक्टिंग सेल है, सेल का मतलब खोखला गोला आप समझ सकते हैं, फुटबॉल जैसे होती है, और ये इसका सेंटर है जिसे आप ओ कह सकते हैं। तो ए जो इनसाइड द स्फीयर है, बी जो ऑन द स्फीयर है, और सी जो आउटसाइड द स्फीयर है। तो अगर इन पॉइंट्स को मेंशन करना चाहें तो इसकी रेडियस जो हमारी है इस स्फीयर की, उसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, इससे दिखा लेते हैं हम लोग, ये हमारी रेडियस हो गई आर। अब हम बात करते हैं कि जब हमारा जो ये वैल्यू आर है, जो इसकी इस वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, ये अगर हमारा आर स्मॉल आर कैपिटल आर से कम हो तो हमें पॉइंट मिलेगा ए, और अगर आर की वैल्यू स्मॉल आर कैपिटल आर बराबर होंगे तो हमें पॉइंट मिलेगा बी। और आप जानते ही हैं कि अगर हमें आर की वैल्यू स्मॉल आर से ज़्यादा हो तो आउटसाइड द स्फीयर वैल्यू मिलेगी, जो पॉइंट मिलेगा हमारे पास सी। तो तीनों केसेस में हम कोशिश करेंगे समझने की कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है। आर इज लेस देन आर के लिए हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जैसा कि गॉस लॉ में हम लोग पढ़ चुके हैं, हम एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लेते हैं। कैसी? जो कि हमारी ए से जस्ट ऊपर से पास हो रही है। ये हमने एक गॉसियन सरफेस इसमें एज्यूम कर ली, ठीक है। अब अगर गॉसियन सरफेस एज्यूम कर ली तो इसमें गॉस लॉ लगा सकते हैं हम लोग। तो गॉस लॉ क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ई डॉट डी एस क्यू इनक्लोज्ड Q in upon epsilon naught, ये गॉस लॉ लग गया। और हम जान रहे हैं यहाँ पर कि ये जो क्लोज्ड इंटीग्रल है E dot ds, इसकी टोटल वैल्यू आने वाली है Q in, तो जीरो है, तो ये वैल्यू जीरो हो गई। अब देखिए कई बुक्स में क्या बोला गया है, कई बुक्स में ये बोला गया है क्योंकि ये Q in जीरो होता है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, जो कि बात ठीक नहीं है। क्योंकि गॉस लॉ के अंदर जब हमारा फ्लक्स जीरो होता है तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी जीरो होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सारे चार्जेस से होता है, ना कि केवल इनक्लोज्ड वाले चार्जेस से। बाहर जो चार्जेस हैं उनसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। जबकि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाए तो हम शर्तिया कह सकते हैं कि फ्लक्स हमारा जीरो है। तो इस केस में जो हमारा फ्लक्स जीरो आ रहा है, इससे हम ये वी कैन नॉट इंटरप्रेट कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो हम ऐसा नहीं कह पाएंगे। फिर क्या करेंगे? तो हम करेंगे ये, देखिए आपको समझाने के लिए एक चीज और लेता हूं मैं। अभी जो होलोस्फीयर था हमारे पास, ये जो होलोस्फीयर था, इस वाले की मैं बात कर रहा हूं जो गॉसियन सरफेस ली है हम लोगों ने। इस गॉसियन सरफेस में अगर मैं बात करूं तो इसको आप कैसा एज्यूम कर सकते हैं, इसको हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि ये सेवरल रिंग्स से मिलकर बना हुआ, ये रिंग्स, रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैसा निकाला था, इसकी एक्सिस पे रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा निकला था, एक्सिस पे आता था ये सीधे डायरेक्शन में, और अगर एक्सिस हमारी इस डायरेक्शन में होगी तो कैसा आएगा, इस डायरेक्शन में, ऐसा रिंग बन रहा होगा, आप ध्यान दीजिए जरा ऐसे। तो इसी तरह जहां भी आप बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरह मिलता चला जाएगा, आपको मिल जाएगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये पक्का है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हमको मालूम है कि नहीं, ये तो बात अलग की है, लेकिन ये हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस एरिया वेक्टर से जीरो एंगल बना रहा होगा, ठीक है। अब दूसरी बात और देखते हैं हम लोग, क्योंकि ये जो चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है इसका, और यहाँ से जो डिस्टेंस है, सारे के डिस्टेंस क्या है, जो इसका स्मॉल आर ले रखा है हम लोगों ने, स्मॉल आर की हम बात करें तो स्मॉल आर ले रखा है, सारे स्मॉल आर आपस में इक्वल है। इसका मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में बराबर होंगे मैग्नीट्यूड वाइज। तो मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होंगे, डायरेक्शन सबका एक ही डायरेक्शन में है, एक ही का कहना मतलब है एरिया वेक्टर से जीरो एंगल बना रहा है। तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर यहां निकाल सकते हैं,
और ये आ गया क्लोज्ड इंटीग्रल ds इज इक्वल टू जीरो। अब हम ये आसानी से कह सकते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होने वाला है, अब जीरो होने वाला है। ये पहले हम नहीं कह पा रहे थे, लेकिन अभी हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं ड्यू टू दिस लॉजिक, नॉट फ्रॉम दिस लॉजिक की क्यू इंक्लूड जीरो है इसलिए इसकी वैल्यू जीरो होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक है, रिजल्ट सेम आ रहा है लेकिन वो हमको पता होना ही चाहिए। अब हम बात करते हैं आगे की आर की वैल्यू जब कैपिटल आर हो, तो देखिए आर की वैल्यू जब कैपिटल आर हो, इसको मैं हटा लेता हूं यहां से, तो R की वैल्यू अगर कैपिटल R हमारी है तो ये सिंपली कैसे बिहेव करने लगता है, ये हम लोग को मालूम है कि ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगता है, क्योंकि क्या करेंगे हम लोग, फिर से गॉसियन सरफेस ले लेंगे यहां ऐसे वाली ऊपर से, जस्ट आउटसाइड, और कैसा बिहेवियर होगा, सेम यही चीज हम लोग करेंगे। लेकिन जब हम यहां कर रहे होंगे क्लोज्ड इंटीग्रल ds में, तो हमारा q इनक्लोज जीरो नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा, जितना चार्ज दिया है, तो मान लेते हैं इसको जो चार्ज दिया गया था वो q था, अगर इसको देने वाला चार्ज q था तो अब आ जाएगा ये q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू क्या बन गई e, और साथ में आ गया 4 पाई r स्क्वायर, और ये वैल्यू हो गई q नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको बात समझ में आ रही होगी, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, ये आ गया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये वैल्यू कब की आ गई, जब ये R इज इक्वल टू R पे था। अब ग्रेटर देन R की हम बात करेंगे, तो ग्रेटर देन R पे भी बिल्कुल यही लॉजिक जो हम लगा रहे हैं, सेम लॉजिक लगाएंगे और यही रिजल्ट हमको यहां मिलने वाला, सेम गॉस लॉ लगा देंगे, यहां से गॉसियन सरफेस ले लेंगे, देखिए ऐसे बड़ी सी गॉसियन सरफेस पूरा गोला, और यहां से यहां तक, यहां से यहां तक हम क्या मान लेंगे R, और सेम चीज अप्लाई करने पे फिर से हमको रिजल्ट क्या मिलने वाला है, हमको रिजल्ट वही मिलेगा जो हम बात कर रहे थे, इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। तो देखिए ये तीनों केसेस में जो शेल है हमारी होलो स्फीयर, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होलो स्फीयर के जीरो है, बाहर आ जाते हैं हम लोग या सरफेस पे, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये स्मॉल r की जगह आ जाएगा यहां कैपिटल r स्क्वायर। ये आप थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि यहां पर जो वैल्यू बनने वाली है वो बनेगी एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा कैपिटल r स्क्वायर, ठीक है, ये कैपिटल आर स्क्वायर वैल्यू आ गई, और यहाँ पे स्मॉल आर निकल के चला जाएगा। अब इसमें एक चीज और देखते हैं हम लोग, जो काफी पूछी जाती है, वो पूछा जाता है इसका ग्राफ, तो ग्राफ में यही अगर प्लॉट करने की कोशिश करूं, तो ये देखिए इसको हम दिखा देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पर दिखा देते हैं वैल्यू किसकी, आर की वैल्यू, यहां पे आप दिखा दीजिए कैपिटल आर जो कि रेडियस में है, तो इससे जीरो से स्टार्ट कीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिस डायरेक्शन में। अब हम यहां से बात करें यानी गोले के अंदर, शेल के अंदर, तो शेल के अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अब जीरो है तो यहां पे कोई डायग्राम या कोई लाइन वगैरह आएगी ही नहीं। अब उसके बाद बात करते हैं जब सरफेस पे है तो ये मैक्सिमम है, कितना मैक्सिमम है, तो ये मैक्सिमम है हमारा ये 4, ये वैल्यू टोटल, ये जो वैल्यू आ रही है हमारी, ये मैक्सिमम वैल्यू यहां पे मिलेगी, और उसके बाद जैसे जैसे आर बढ़ेगा ये प्रोपोर्शनल जाएगी किसके, E is proportional to 1 upon r square। तो इस तरीके से ग्राफ आपको मिलता चला जाएगा डाउन ऐसे ऐसे करके, ठीक है, और ये तो थोड़ा सा और साफ बना लेते हैं हम लोग इसको ऐसे करके, और डीप ग्राफ जाएगा ऐसे करके बन जाएगा, और यहां जो वैल्यू है हमारी, ये वैल्यू की वैल्यू, ये वैल्यू हमारी बनेगी। तो ये पूरी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शेल हॉलो स्फीयर। हमको रिजल्ट याद रखना है कि शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दी होगी। आप बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा कि ये जो बातें बताई हैं गॉस लॉ से रिलेटेड, ये आपको बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।